हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या बीकानेरी चटकारा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे भरवा शिमला मिर्च। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। स्टफ शिमला मिर्च के लिए मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, थोड़े से उबले आलू हैं, पनीर है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, एक प्याज है बड़ा जिसको बारीक काट लिया है, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, दो छोटी हरी मिर्चें उसको भी बारीक काट लिया है, थोड़ी राई, जीरा, हींग और सूखा पुदीना। सबसे पहले हम मिर्ची को काट लेते हैं। शिमला मिर्ची को हम दो तरीके से काट सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से छेद करके भी निकाल सकते हैं। मेरी शिमला मिर्च जो सही शेप में नहीं है इसलिए मैं आज इसको बिल्कुल हाफ़ कर दूंगी, और हाफ़ करने के बाद में मैं बीच से जो थोड़े बहुत बीज हैं उनको निकाल दूंगी। आप इसमें चाहें तो लाल और पीली शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, ये आपके वहाँ पे मिलने पे है कि अगर आप में मिल जाती है तो आप दूसरे कलर की भी ले लें। अब हम आलू को मैश कर लेंगे। आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने वॉक में 1 टेबल स्पून तेल लिया है, 1/4 टीस्पून जीरा डाला है, 1/4 टीस्पून ही मैंने राई डाली है, थोड़ी सी हींग, प्याज को हम हल्का सा सेक लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे। प्याज सिक रहे हैं तब तक हम अपने मसाले डाल लेते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। मसालों को सेक लेंगे हम। मसाले सिक गए हैं, अब हम आलू डाल देंगे। आलू को अच्छे से मिला लिया हमने। आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने अमचूर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सूखा पुदीना है जिसे मैंने बिल्कुल क्रश कर लिया था, और पनीर डाला है मैंने 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं पनीर को। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। पनीर और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम लगे या मिर्ची कम लगे तो आप इसमें थोड़ा और डाल लें। मसाले को हम मिर्ची में भर लेंगे। इस मिर्ची का बेस सही नहीं है तो हम इसको नीचे से थोड़ा सा काट लेंगे ताकि अच्छे से टिक जाए। ये मिर्ची बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। शिमला मिर्च का खुद का एक फ्लेवर होता है जो बहुत अच्छा होता है, और फिर अगर उसमें मसाला ये आलू वाला स्टफ़ किया हुआ हो तो फिर कहना ही क्या। ये जो आलू का मसाला है ये आप और भी कई जगह काम ले सकते हैं, समोसों में, पराठों में, या कोफ्तों के लिए, सैंडविच में, सब में ये ऐसा ही मसाला बनता है। शिमला मिर्ची थोड़ी कम तेज़ होती है तो जो लोग कम खाते हैं मिर्ची उनको भी ये मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये इतनी तेज़ नहीं होती, थोड़ी मीठी होती है। सारी मिर्ची भर ली है, थोड़ा मसाला बच गया है, इसको मैं और कहीं काम में लूँगी। अब हम इसको छोंक लगाते हैं। पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया है मैंने, करीब 1.5 टेबल स्पून, उसमें हमारी सारी मिर्ची लगा देंगे हम, और इसको हम ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए। करीब 10 मिनट हो गए हैं, मिर्ची को संभाल लेते हैं हम। मिर्ची थोड़ी पक गई है हमारी, गैस बंद कर देते हैं और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। पनीर और धनिया से गार्निश कर लेंगे।
शिमला मिर्ची को हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे, इसको हम थोड़ा कच्चा ही रखेंगे, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गलाएंगे तो फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। आप इसको हल्का सा कच्चा रखें, तो बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी शिमला मिर्च बनी है।